जैसे कि आप सभी जानते हैं, मनोज दे कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी सर के YouTube चैनल पे गए थे और वहीं पास एक बहुत ही बड़ा झूठ बोल दिया था। लेकिन मैं उस झूठ को आप लोगों के सामने रखने से पहले आप लोग जरा ये वाला वीडियो देखिए जो कि मनोज दे ब्लॉग चैनल पे अपलोड किया हुआ है। गाइज, ये वाला जो जमीन आप लोग देख रहे हो जहाँ बालू और गिट्टी गिरा हुआ है, ये वाला, ये अपना है। जी हाँ गाइज, फाइनली मैंने ये वाला प्लॉट खरीद लिया है। ये जो आप देख रहे हो पोल गड़ा हुआ है ना, इससे वहाँ तक एकदम सीधा उतना दीवार तक, और वहाँ जो वो पोल है, ये पोल से वहाँ तक एकदम वो घर जो बना हुआ है वहाँ तक, मतलब ये जो डिस्टेंस ये है 60 फीट, एंड ये जो डिस्टेंस है इस पोल से लेकर के इस पोल तक ये है 40 फीट, मतलब चौड़ा है 40 फीट, एंड ये जो लेंथ है वो है 60 फीट। तो इतना बड़ा ज़मीन मैंने अपना खरीद लिया है। फिलहाल ये आपका मनोज भाई का ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पर गिट्टी बालू गिरा हुआ है, उस वाले घर का काम चल रहा है। जैसे कि आपने देखा, मनोज दे सर बताते हैं, मैंने एक ज़मीन लिया है 40 फीट बाई 60 फीट का। अगर हम लोग इसे गंज में देखें तो ये 800 गंज का होता है। और अब ये वाला आप वीडियो देखिए जिसमें संदीप महेश्वरी सर के साथ क्या बात करते हैं। अभी तो गांव में मैं रहता हूँ, एक मेन सिटी में जाके खुद का प्लॉट खरीदा हुआ है, वहाँ पर फिर घर बना रहा। बड़ी ज़मीन लेकर? बड़ी ज़मीन ले, 2-4 हज़ार गज की, 5 एकड़ के करीब। ओल है, मैंने मजाक में बोला था लेकिन मजाक मेरे पे उल्टा पड़ गया। मैंने बोला 2-4 हज़ार गज, ये कह रहे हैं 5 एकड़। 5 एकड़ का मतलब पता है कितना होता है? 20 हज़ार गज से भी ज्यादा, राइट? राइट, 24 हज़ार गज। पता नहीं घर बना रहे, महल बना रहे, क्या बना रहे भाई, अगर मैं कभी वहां आऊंगा तो मेरे को एंट्री मिल जाएगी बाहर, या कुत्ते छोड़ दोगे मेरे पीछे, मतलब क्या? अरे सर, आप आओगे तो बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं 2-3 हज़ार गंज, और सामने से मनोज दे जवाब देते हैं 5 एकड़, जिसे संदीप महेश्वरी सर अगर गंज में देखा जाए तो 24 हज़ार गंज बोलते हैं, जिस पर मनोज दे हाँ भी बोलते हैं। और ये पिछले जो उसका ब्लॉग वाला चैनल पे, वहाँ पर अगर हम लोग उसे गंज में हिसाबते हैं तो 800 गंज होता है, और यहाँ पर 24-25 हज़ार गंज में हाँ ही भर देते हैं। ये कितना सच है कितना झूठ है, इस पर केवल मनोज दे ही बता सकते हैं। थैंक यू।